हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूईटी कॉमर्स। आज हम करने वाले हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी को खत्म, जैसे कि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग को किया है, राइट। सेम वे में फाइनेंसिंग एक्टिविटी को वन शॉट खत्म करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, राइट। इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करते, डिविडेंड को कैलकुलेट कैसे करते, वो भी सिखाऊंगा विद अ क्वेश्चन। साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखना है, मतलब जो भी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है सब खत्म करने वाले, सब सॉल्व होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मीनिंग क्या होती है और कौन सी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आती है। सबसे पहले तो ध्यान से मेरी बात समझो कि कंपनी जो होती है ना, उसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो कई कारणों से होता है। जैसे कि मान लो आपने अपने गुड्स बेच दिए तो वहां से पैसा आ गया, आपने कोई मशीन बेच दी वहां से पैसा आ गया, आपने लोन ले लिया वहां से पैसा आ गया। तो ये जो मैंने तीन बातें बोली ना, ये तीनों अलग अलग बिरादरी की हैं। मतलब ये कि पहले जो एग्जांपल दिया उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा है, दूसरे में कहां से आया, मशीन एसेट बेच दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। और तीसरी जो मैंने बात बोली वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड, मतलब आपने लोन लिया। अब सवाल आता है कि मैंने इसी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्यों बोला। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर वो तमाम चीजें आती हैं जो कि बिजनेस में ओनर की कैपिटल या लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन लाती हैं। मतलब ये कि एक पर्टिकुलर कंपनी में जो फंड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं, वो फंड के सोर्सेज में अगर किसी भी तरीके का इंक्रीज डिक्रीज होता है या फिर उन फंड के सोर्सेज से रिलेटेड किसी भी तरीके की कैश आती या जाती है, तो वो तमाम चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। अब जरा एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस आर दोस दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइजेस एंड रिलेटेड टू दैट। मतलब ये कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो तमाम एक्टिविटीज आती हैं जिनके कारण ओनर की कैपिटल, बोरोइंग्स या फिर इनसे रिलेटेड चीजों में इंक्रीज या डिक्रीज आए, वो तमाम चीजें होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत। अच्छा, अब एग्जैक्टली आपको समझाता हूं कि कौन सी चीजें आती हैं। कंक्लूड करके अगर मैं बोलूं तो एनी चेंज इन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, इक्विटी भी आ जाता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाता है। मतलब अगर आपकी इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में किसी भी तरीके का चेंजेस आ रहा है, This is considered as financing activity. उसके बाद अगर मैं बात करूं SPR की, SPR जो होता है basically reserve and surplus के अंदर आता है, security premium reserve, right? और security premium reserve, देखो ये बहुत ध्यान समझना, कतई जहर तरीके समझना, हमारा फोकस होना चाहिए पैसों पर कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, ठीक है, कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। अगर मैं SPR की बात करूं तो जस्ट इमेजिन कि SPR कैसे बढ़ता होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैसे बढ़ता है। अगर हम शेयर इशू करते, अगर हम डेबेंचर्स इशू करते फॉर प्रीमियम तो बढ़ता है, राइट। तो अगर आपका एसपीआर बढ़ता है, दैट मींस दिस इज फकिंग इंक्रीज द कैश, है ना, कैश इंक्रीज हो रही है, तो दिस इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एंड आप शेयर इशू करके, डेबेंचर इशू करके वो पैसा बढ़ा रहे हो, आपने प्रीमियम पर इशू किया, दैट इज द रीजन व्हाई इंक्रीज इन एसपीआर इज आल्सो कंसीडर्ड इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और एक बात और मैं बता दूं, एसपीआर जब घटता है ना तो कोनी चेंजेस आवे फाइनेंसिंग एक्टिविटी या कैश में, बताऊं क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, एसपीआर घटता कब है? एसपीआर तब घटता है जब हमारा कोई लॉस रिकवर करते हैं, जब हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को रिकवर करते हैं। तो लॉस को रिकवर करने से कोई कैश आती है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट। तो यहां पर एसपीआर जब डिक्रीज होता है ना प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो उस टाइम पर आप नहीं लिखते, लेकिन अगर इंक्रीज होता है दैट मींस आपने रोकड़ा लिया है प्रीमियम के नाम पर, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स से क्या होता है, बोरोइंग्स आप ले रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में चेंजेस ला रहे हैं, आपके पास कैश आएगा अगर आप लोन देते हैं तो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कम समय के लिए पैसा लिया है, साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करते हैं तो ये तमाम चीजें कंसिडर की जाती है अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड क्यों भाई? इंटरेस्ट और डिविडेंड इसलिए क्योंकि ये भी तो उन्हीं से रिलेटेड है, शेयर से रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड,
ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं जो कि ओनर की कैपिटल या बोरोइंग्स से रिलेटेड हो या उनको इंक्रीज डिक्रीज करने से कैश में जितने भी परिवर्तन आते हैं, तो तमाम कैश के परिवर्तन फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत शो किए जाते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं कि और कौन सी चीजें जो होती हैं वो इनफ्लो या आउटफ्लो लेकर आती है। अगर मैं बात करूं इनफ्लो की, तो जस्ट यू गाइस इमेजिन हम बात कर रहे हैं कैश के इनफ्लो की फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर की इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आप ही सोचो ना, अगर आप शेयर इशू करोगे, मान लो मैंने इशू कर दी 2,00,000 रुपए के शेयर्स 10% ईच प्रीमियम पर, तो पैसा तो आएगा ना, 2,20,000 रुपए खट्ट से मेरे पास आ गए, इनफ्लो ऑफ कैश, राइट। शेयर इशू किया, पैसा आ गया। सिमिलरली डिबेंचर इशू करूंगा तो भी पैसा आ जाएगा, इसलिए भी इनफ्लो। और प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरिंग, अगर मैंने बैंक से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो बैंक मुझे लोन ऐसा नहीं देगा पत्तों में कि ले पत्ता या आम का पत्ता, ये इसका पत्ता, ये उसका पत्ता, इट्स नॉट गुड मैन, दिस इज नॉट द कैश फ्लो। लोन ऐसे लेते हैं क्या? नहीं। तुम अगर लोन लोगे तो बैंक वाला तुम्हें पैसा देगा ना, तो कंपनी के पास तो पैसा आएगा, तो दिस इज इनफ्लो। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आउटफ्लोज की। तो यार आउटफ्लोज बहुत सारे तरीके से होते हैं। सबसे पहला रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर तुमने प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे थे और अगर तुम उनको रिडीम कर रहे हो या रीपे कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इट विल डिक्रीज योर ओनर्स कैपिटल, सो इट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जब आप रीपे करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए ये कंसिडर किया जाता है एज आउटफ्लो। वही बात करूं डिबेंचर्स को रिडीम करने की, तो यार ऑब्वियस सी बात है तुमने पब्लिक से लोन ले रखा था डिबेंचर के फॉर्म में, अब समय आ गया तो पैसा तो दोगे ना, और पैसा दोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो। वही अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन रीपे कर रहे हो, बैंक वाला जीवन भर के लिए तो पैसा देगा नहीं, राइट। हाँ देता भी है कभी कभी कुछ कुछ लोगों को, पर हमें नहीं मिलता है, कुछ कंपनी को नहीं मिलता है, तो बेसिकली आपको वापस करना पड़ेगा। दैट मींस यू हैव टू पे, और कैश देनी पड़ेगी भाया, तो पैसा तो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं डिविडेंड। डिविडेंड पे करोगे तो डिविडेंड इज रिलेटेड टू द शेयर्स, राइट। तो यहां पर अगर आप डिविडेंड पे करते हैं तो भी कैश जाती है, और दिस इज रिलेटेड टू द शेयर्स ना, तो भाई साहब दिस इज आल्सो कंसीडर्ड अंडर द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट का भी सेम चेक करें, और भले वो लोन का इंटरेस्ट हो या डिबेंचर का इंटरेस्ट हो, सेम कहानी है कि भाई साहब इंटरेस्ट दोगे तो कैश तुम्हें देनी पड़ेगी, कैश का आउटफ्लो होगा, राइट। सो ये है वो तमाम चीजें जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है इंटरेस्ट। डिविडेंड भी, मतलब दोनों चीजें। एक्चुअली पता क्या होता है, होता ये है ना कि अगर तुम्हें ये निकालना कि प्रोसीड फ्रॉम शेयर कहां से आया, तो तुम पता क्या करोगे, यू जस्ट पुट अप द डेटाज 2017 और 2018, 2 साल का डेटा मिला तुम्हें। इस साल मान लो 4,00,000 के शेयर थे, इस साल 5,00,000 के हो गए, यू आर जस्ट कंपेयरिंग। तुम कंपेयर करके निकालोगे, पता चल जाएगा अरे 1,00,000 रुपए के बढ़ गए शेयर कैपिटल, इसका मतलब हमने इशू किया होगा, इशू किया होगा तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो इसको तुम पॉजिटिव में लिख लोगे। तो ये जो होती है ना, जैसे जिन जिनमें मैं टिक कर रहा हूं, एक तो ये ऊपर की जितनी भी चीजें हैं ना, जितने भी प्लस और माइनस है, ये कैलकुलेट, ये निकालना बड़ा आसान है। यू जस्ट हैव टू कंपेयर प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को, कंपेयर कर लो बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब उतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो डिबेंचर की बात करूं, मान लो एक डिबेंचर है, ये डिबेंचर की वैल्यू है, पहले था ये 4,00,000 रुपए का, अब हो गया ये 1,00,000 रुपए का। अब इसका मतलब मैं क्या समझूं, इसका मतलब मैं ये समझूंगा कि इसका क्लोजिंग बैलेंस पिछले साल 4,00,000 था और इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 है। इट मींस क्या कि डिबेंचर घट गए। डिबेंचर घटने का मतलब क्या होता है, तुमने पैसा वापस दे दिया होगा डिबेंचर होल्डर होगा, ले जाओ पैसा वापस, रिडेम्पशन कर दिया होगा 3,00,000 रुपए का डिफरेंस। ये तो बड़ा आसान, यू जस्ट हैव टू क्या बोलते हैं, मतलब तुम्हें बस डिफरेंस देखना है दोनों के बीच का। आरी बात समझ में, तो दिस इज वेरी इजी। लेकिन वही मैं बात करूं इन तीनों चीजों की, तो यहां पर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बिकॉज यहां पर इंटरेस्ट और डिविडेंड की बात है, और यहां पर होता है तगड़ा वाला कैलकुलेशन। आरी बात समझ में, ठीक। तो अब बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि यहां पर कभी भी अगर कैश तुम्हें आ रही है, जैसे तुमने लिखा प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू किए तुमने शेयर, पैसा आएगा कंपनी के पास। कभी भी ये देखा करो कि कंपनी के पास पैसा आ रहा है या कंपनी के पास से पैसा जा रहा है। अगर पैसा आ रहा है तो यू हैव टू राइट इन पॉजिटिव। मान लो 4,00,000 रुपए आ रहे हैं तो 4,00,000 रुपए नॉर्मल लिखे जाएंगे। लेकिन अगर तुम 2,00,000 रुपए रिडीम कर रहे हो, 2,00,000 रुपए का डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, पैसा जाएगा, तो यू हैव टू राइट इट इन अ नेगेटिव फॉर्मेट। मतलब तुम्हें अंडर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा टू शो कि भैया पैसा गया है। आरी बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बात करता हूं डिविडेंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, बिकॉज यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन भी करेंगे ताकि सारी चीजें एक बार में और सही तरीके से क्लियर हो, राइट। चलो
देखो भाई ऐसी बात है कि ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये बहुत गंदी चीज होती है। मतलब अगर हम तुम्हें बताएं तो जो डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर है मान लो, ये है 10% डिबेंचर, ध्यान से समझना मेरी बात को, 10% डिबेंचर है, ये 2017 का डेटा है, ये 2018 का डेटा है। 2017 में मान लो डिबेंचर था 1,00,000 रुपए का, और 2018 में हो गया ये 1,50,000 रुपए का, ठीक। तो अब सबको पूछेगा भैया कि तुम ये बताओ कि इंटरेस्ट कितना है, तो तुम जाओगे चकरा कि यार बोले इंटरेस्ट तो गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, बट यहां पे दो दो अमाउंट गिवन है। ससुरा इस पे निकालूं या उस पे निकालूं, मतलब 2017 पे निकालूं या 2018 पे निकालूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो यहां पर कुछ नियम है जिनको आपको अपने मगज में एकदम संभाल के रखना पड़ेगा, जिस तरीके से तुम अपनी क्रश के रुमाल को संभाल कर रखते हो, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंड अब आपको दिमाग क्या लगाना है, ध्यान से समझना। देखो नंबर वन चीज, आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो सकती है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि डिबेंचर्स इशू किए गए होंगे, इशू एट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो भी जानकारी हो। तो तुम्हें करना क्या है, देखना क्या है, बस वो ध्यान से समझना। तुम्हें देखना बस इतना है कि जो करंट ईयर चला, ये मान लो एक टाइमलाइन है, जो करंट ईयर चला इस ड्यूरिंग द ईयर में कौन सी वैल्यू साल भर तक टिकी, बस तुम्हें ये देखना है। मान लो जैसे यहां बोल रहा है कि डिबेंचर इशू एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब यहां पर जो मैंने 50,000 रुपए का इशू किया है, ये 50,000 रुपए का इशू कब किया है, ये मैंने साल के एंड में किया, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किया है। मतलब शुरुआत 1,00,000 रुपए से हुई थी पर अंत 1,50,000 रुपए से हुआ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये जो 50,000 बढ़ा है ना, ये आखिरी में बढ़ा है। साल भर ये 1,00,000 रुपए था, अचानक से एंड में 50,000 बढ़ा और 1,50,000 हो गया। तो साल भर कौन सी वैल्यू चली चाचा, साल भर चली तुम्हारी 1,00,000 रुपए। तो ये जो इंटरेस्ट होगा ना 10% का, ये इंटरेस्ट तुम्हारा काय पे कैलकुलेट होगा, काय पे, काय पे, काय पे, 1,00,000 रुपए पे, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो वैल्यू चली दिस इज 1,00,000 रुपए। सेम चीज होती है जब आप डिविडेंड कैलकुलेट करते हो ऑन द इक्विटी शेयर्स और ऑन द प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, ये तो बात हो गई भाई क्वेश्चन में गिवन था। अगर यहां पर क्वेश्चन में गिवन होता कि डिबेंचर जो है वो इशू किए गए हैं बिगिनिंग में, तो क्या होता, इसका मतलब ये कि शुरुआत 1,00,000 रुपए से तो हुई थी और अंत 1,50,000 रुपए से तो हुआ, पर सवाल ये आता है कि ड्यूरिंग द ईयर कौन सी वैल्यू चली, ड्यूरिंग द ईयर कैसी वैल्यू चली, कैसे पता चला। यहां पे लिखा गया है डिबेंचर इशू हो रहे हैं बिगनिंग पे, मतलब जो 50,000 रुपए के डिबेंचर तुमने इशू किए ना वो शुरुआत में ही कर दिए, मतलब 1 तारीख को ये भले ही 1,00,000 रुपए हो लेकिन शाम तक के जो 1,50,000 हुए थे क्योंकि तुमने 50,000 रुपए को इशू कर दिए थे। इसका मतलब क्या, साल भर जो वैल्यू चली वो चली 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, साल भर 1,50,000 चला क्योंकि साल की शुरुआत में तुमने इशू कर दिया था। तो उस टाइम पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा ऑन दैट 1,50,000 रुपए। आ रही बात समझ में। तो कंक्लूड करके बोलूं तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन या डिविडेंड का कैलकुलेशन उस वैल्यू पर होता है जो वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर चली हो। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया तब क्या करें जब कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो। मतलब ये कि मान लो क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, बस सुना सुना सा है एकदम इच, तो फिर भाई बात ऐसी है ना कि यू हैव टू अज्यूम बाय योर ओन, तुम्हें खुद का दिमाग लगा के खुद से मनगढ़ंत कहानियां बनानी पड़ेंगी। और वो ये कहानियां ये कहती सीबीएसई के अकॉर्डिंग कि व्हेनेवर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन यू हैव टू अज्यूम कि डिबेंचर्स इशू या रिडीम हुए होंगे कब 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 कब, एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि भैया इशू कब हुआ या रिडीम कब हुआ, देन यू हैव टू कंसिडर दैट कि जो इशू या रिडीम होगा वो एट द एंड हुआ, तो उस टाइम पर तुम जो प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू होगी और मैं इसी बातों से भी कैलकुलेट करोगे, राइट। अब यहां पर ही मैंने इशू का एग्जांपल दिया, ऐसे रिडीम का भी होगा, राइट। बस तुम्हें देखना इतना सा है कि साल भर कौन सी वैल्यू चली। अब जैसे मान लो यहां पे अभी 1,00,000 है, मान लो तुमने रिडीम किया होता और ये हो जाता 80,000, तो कोई डिफरेंस नहीं है खास। तो हम ये मत सोचना कि इशू के टाइम पर हम अलग कैलकुलेशन रिडीम है ना, तुम्हें बस ये देखना है कि साल भर क्या वैल्यू चली। जैसे अभी हां मैं बोलूं और तुमको दिया रहता कि एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो यहां सीधी बात समझ में आ रही है कि 1,80,000 हो गया, मतलब 20,000 रुपए तुमने रिडीम कर दिए, अभी तो घट गया। तो अब सवाल आता है कि तुम कैलकुलेशन कहां पे करोगे, 1,00,000 पे करोगे कि 80 पे करोगे, 20 पे करोगे। देखो 20 पे करना तो पागलपंती है क्योंकि वो तो रिडीम किया है ना, साल में कौन सी वैल्यू चली वो देखना है। तो तुम्हें बस ये फोकस करना है कि रिडीम कब किया, कोई जानकारी नहीं एंड ऑफ द ईयर किया, मतलब यहां पे घटा कब, आखिरी में घटा, साल में कौन सी वैल्यू चली होगी, 1,00,000 रुपए चली होगी। अगर यही बोला जाता कि जो रिडीम है वो साल के बिगनिंग में हुआ है,
देन फिर आप 80,000 रुपए करते, क्योंकि शुरुआत साल की तो लाख से होती, लेकिन साल के स्टार्टिंग पे 20,000 तुमने रिडीम कर दिए, तो साल भर जो वैल्यू चली होगी वो 80 चली होगी, इसलिए अंत भी 80 से हुआ। तो द ओनली फोकस होना चाहिए आपका सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कि ड्यूरिंग द ईयर कौन सी वैल्यू चली, और सारे कैलकुलेशन उस पर होंगे। ओके, सो अब हम सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन जिससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि सारी चीजें कैसे काम करती है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊं कि जब कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो पहले बस ये देखा करो कि इंक्रीज डिक्रीज का क्या चक्कर है, ठीक है। उसके बाद ये इंटरेस्ट और डिविडेंड का चक्कर देखा करो। इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले देखो यहां थोड़ा गड़बड़ है, हमेशा एक गलती होती है कि ना, हम यहां पे हमेशा प्रीवियस ईयर मान लेते, पर ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता। प्रीवियस ईयर ये वाला है 2018 यहाँ लिखा है, 2019 लिखा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर है 7 लाख और करंट ईयर है कितना, 9 लाख। इसका मतलब ये कि तुमने शेयर्स इशू किए, क्योंकि 7 लाख से बढ़ के 9 लाख हो गया, 2 लाख रुपए के तुमने क्या किए, शेयर इशू किए। आओ आगे बढ़ते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 3 लाख हो गया, इसका मतलब क्या, तुमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है। उसके आगे एसपीआर पहले 1 लाख रुपए का था, जो कि बढ़कर हो गया 1,40,000 का। दैट मींस कि आपने 40,000 रुपए की प्रीमियम और वसूली होगी इस साल, राइट। तो अब चलो ये तीनों चीजों को हम जरा उतारते हैं फॉर्मेट में, देखें। देखो यहाँ पे 7 लाख से 2 लाख, 9 लाख हो गया, और ऑब्वियस सी बात है इशू हो रहा है, तो हम एक काम करते हैं एसपीआर को भी यही इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि हम ये लिख देंगे कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम तो बढ़ी है 40,000 रुपए से और इशू भी किया 2 लाख रुपए से, तो मतलब 2 लाख शेयर का पैसा तो आया ही होगा फेस वैल्यू, और 40,000 प्रीमियम भी आ गई होगी। तो यहां पर तुम लिख दोगे क्या, 2,40,000 पॉजिटिव में, क्या लिखोगे इसको, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर इनक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रो इनक्लूडिंग प्रीमियम, समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े, अब यहां पर मतलब हमने ये इसका और इसका हिसाब कर लिया, अब बात करते हैं इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, 5 से 3 हो गए, इसका मतलब क्या कि तुमने रिडीम किया होगा। लेकिन कभी भी आपका एक बहुत अच्छा काम है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कि पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लिया करो, कोई जानकारी खूब लिया तो नहीं है मैंने। देखो जरा थर्ड पॉइंट कहता है कि प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम किए गए ना, वो प्रीमियम पर रिडीम किया 5% की, वो भी हमने साल के एंड में किया, तो साल के एंड में किया, बिगनिंग में किया, अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर नहीं रहे, राइट। अभी हमारा मतलब बस इतना है कि कितना पैसा दिया है और कितना पैसा मिला है। तो यहां पर जब आप शेयर्स को रिडीम कर रहे हो 5% प्रीमियम पे, दैट मींस कि तुमने जो पैसा फेस वैल्यू का रिडीम किया, उसको रिडीम करने पर तुमने 5% प्रीमियम और दी है। मतलब तुमने 5 लाख से 3 लाख हो गए, मतलब 2 लाख रुपए क्या किए, रिडीम किए, 2 लाख रुपए तो तुमने दिए ही दिए, साथ ही साथ तुमने इन 2 लाख रुपए पर 5% प्रीमियम वापस की। तुमने कंडीशन सीखी थी ना, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, उसमें नहीं होता था कि हम पहले से देख के रखते थे कि अरे भविष्य में कितने पैसे एडिशनली देने हैं एज अ प्रीमियम, तो वही काम हो रहा है। आपको 2 लाख पर 5% रुपए, मतलब 10,000 रुपए एडिशनली देने होंगे। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे ना, तो 2,10,000 रुपए पे करोगे टू द होल्डर्स। तो यहां पर आप सीधी सी बात है, 2,10,000 रुपए लिखोगे, क्योंकि कैश तो 2,10 ही गई होगी। यहां पर लिख देना रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विद प्रीमियम, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि तुम बोल दिया हो, तो वही काफी आई थिंक, ठीक। आगे बढ़ते हैं ब्रो, एंड उसके बाद 12% डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर पहले 3 लाख रुपए के थे, अब 4 लाख रुपए के हो गए, इसमें तुमने इशू किया होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख 2 लाख रुपए आए तुम्हारे पास, यहां पे लिखोगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, बस, ठीक है, 1,00,000 रुपए लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, एंड अच्छा एक बात, तुमने गाना सुना है वो, मतलब आजकल बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है वो, टीवी में बहुत ज्यादा आ रहा है, बॉडी तो बन गई झरना, पंखे तू कुछ तो करना, पंखे व्हाट इज दिस, ओ पंखे व्हाट इज दिस, दिस इज द सेम फीलिंग कम्स फ्रॉम माय हार्ट फॉर माय फैन व्हिच इज ऑफ, तो वो भी बोलेगा पागल होश क्यों रहा है जब चालू ही नहीं किया तो। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, वही अगर मैं बात करूं, देखो हमने सारे मेन मेन चीजों को देख लिया, अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए इंटरेस्ट और डिविडेंड पर। अब पता कैसे चलेगा भाई कि इंटरेस्ट और डिविडेंड कहां देना है, कितना देना है, कैसे देना है, तो 12%, 12%, 15%, ये 3 जगह तुम्हें लिख रहा है भाव। देखो ये तो प्रीमियम का, तो बेचारे इसको तो मत परेशान करो, ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। लेकिन ये जो 3 चीजें हैं, ये प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, ये है डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, और ये है इक्विटी शेयर्स पर डिविडेंड। तो फटाफट से कैलकुलेट करते कैसे होगा, देखो यहां पर
प्रेफरेंस शेयर आपको सीधी सी बात है रिडीम हुए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस तारीख में रिडीम हुए, क्योंकि 12% कैलकुलेशन होगा 3 लाख पे होगा कि 5 लाख पे होगा, ये कंफ्यूजन है। तो अब यहाँ पर जरा देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर है रिडीम किए गए कब, साल के अंत में। साल के अंत में मतलब क्या कि शुरुआत तो 5 लाख रुपए से हुई थी साल की, लेकिन साल का अंत 3 लाख रुपए से हुआ। इट मीन्स यू माइनस, मतलब आपने रिडीम करे 2 लाख रुपए एट द एंड, तो साल भर कौन सी वैल्यू चली होगी, 5 लाख चली होगी। तो 12% का कैलकुलेटर 5 पे होगा, 12 × 5 = 60, 60,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर। देखो मेरी राइटिंग को इग्नोर करना, जिस तरीके से तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर अब अगर हम आगे बढ़े सो इसका हो गया डिविडेंड का, अब बात करते हैं 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की। तो पहले 3 था, अब 4 हो गया। देखो कब ये आपने किया है इशू, जी देखो यहाँ लिखा है न्यू शेयर्स या डिबेंचर वर इशूड एट द लास्ट डेट ऑफ द करंट ईयर, मतलब तुमने साल के एंड में किया, कोई कारण नहीं है। शुरुआत 3 लाख से हुई थी, अंत 4 लाख से हुआ, क्योंकि इशू तुमने एंड में किया, तो तुम्हें करना क्या है, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट ऑन 3 लाख। तुम्हें कैलकुलेट 3 लाख पे करना पड़ेगा, क्योंकि साल भर जो वैल्यू चली होगी वो कौन सी होगी, 3 लाख होगी। ठीक, तो 36,000 रुपए जो होगा वो तुमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया ऑन द डिबेंचर्स। तो ये ऑब्वियस सी बात है तुम्हें नेगेटिव में लिखना होगा, बिकॉज तुमने पे किया है, राइट। तो यहां पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब बात करते हैं एक और चीज की, जो कि है क्या हमारा ये 15% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ये भी एंड ऑफ द ईयर पे किया गया है, बट उससे मायने नहीं रखता, मायने रखता कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी थी। इक्विटी शेयर पहले कितने के थे, 7 के थे, अब 2 के हो गए। और आपको यहां साफ साफ बोला है कि जो न्यू शेयर है वो इशू किए गए एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब वही बात है, शुरुआत 7 लाख से हुई थी, अंत 9 लाख से हुआ, और जो 2 लाख रुपए का एडिशनल इशू हुआ वो भी एंड में हुआ, तो साल भर कौन सी वैल्यू चली होगी, 7 ही लाख चली होगी। तो 7 लाख पर कैलकुलेशन होगा 15 के हिसाब से, 15 × 60 = 75, 15 × 75 = 105, मतलब 105,000 तुम्हारा क्या होगा, दिस इज द इंटरिम डिविडेंड विच इज पेड बाय द कंपनी, इंटरिम डिविडेंड पेड। ठीक, तो बस अब तुम्हें करना क्या है, इसका सीधा कैलकुलेशन कर लो। और यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा कितना, 240,000 -210,000 +1 लाख -60,000 -36,000 36,000 मत लिखना, दिस इज 1000। हाँ, आगे बढ़ते हैं, -105,000 आ गया, 71,000 माइनस में आ रहा है। व्हाट इट मींस, इट मींस कि तुमने 71,000 रुपए की कैश यूज की है इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दैट्स इट। सो दिस इज द क्वेश्चन गाइस, होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमने आज बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में काफी अच्छा क्वेश्चन किया। हर बार की तरह हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ जाते हैं, बट आज का क्वेश्चन थोड़ा मस्त सा था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन, जो लोग इस वीडियो के एंड तक के देखे, मानना पड़ेगा कितने बड़े फैन हो तुम मेरे। एनीवेज मजाक करो, जस्ट चिल, मन कर रहा हो गाली देने का तो वीडियो को डिसलाइक करके गाली दे सकते हो, और अगर अप्रिशिएट करना हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वन शॉट देखना तो आप ऊपर वाले वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग का देखना है तो नीचे वाला चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट कैबिन।